दोस्तों इस वीडियो में बात करेंगे हम MBA इन फाइनेंस के बारे में। MBA इन फाइनेंस बहुत ही सॉट आफ्टर रोल होता है MBA कॉलेजेस में। जब भी लोग जाते हैं MBA करने तो फाइनेंस के बहुत सारे लोग होते हैं जो करना चाहते हैं। ऑफकोर्स करने के बाद बहुत लोग सोचते हैं कि फाइनेंस बहुत ज़्यादा अकेडमिक है, बहुत ज़्यादा नंबर्स है, तो कुछ लोग मार्केटिंग और HR के पीछे चले जाते हैं। MBA इन फाइनेंस का टॉप कॉलेज इंडिया में IIM कलकत्ता माना जाता है। बहुत सारे और भी नीच बेस्ड कॉलेजेस जो फाइनेंस के लिए अच्छे हैं, जो कि DFS है, MBA इन फाइनेंशियल स्टडीज़ दिल्ली यूनिवर्सिटी का। इसकी फ़ीस बहुत कम है, 50,000 से भी कम में आपका इसमें MBA हो सकता है। एक NIBM करके है पुणे में, वो भी अच्छा है, उसकी परसेंटाइल कट ऑफ भी कम होती है। तो ये कुछ नीच बेस्ड कॉलेजेस हैं जो मेरे दिमाग में भी आ रहे हैं जो सिर्फ फाइनेंस के लिए है। बाकी स्पेशलाइजेशन फाइनेंस का हर MBA कॉलेज में ऑफर होगा। MBA इन फाइनेंस किनको करना चाहिए? जैसा मैंने बताया, जिनको फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस, जिनको नंबर्स के साथ खेलना, मैथ स्ट्रॉन्ग होना जरूरी नहीं है पर नंबर्स के साथ खेलना, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करना, एक इंडिपेंडेंट काम करना, मार्केट में घूमने का मन नहीं है, या फिर HR जैसा काम जो कि लोगों के साथ मिलकर करना होता है वैसा काम नहीं करना है, अपना इंडिपेंडेंट प्रोजेक्ट आया वो कर लिया, एनालिसिस किया, तो वैसे लोग फाइनेंस अच्छा कर पाते हैं। फाइनेंस में जो टॉप जॉब है वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का प्रॉब्लम ये है कि जो फ्रंट एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता है वो सिर्फ IIBCL, XL, FMS जैसे कॉलेज में ऑफर होता है। जितना नीचे जाओगे उतना इन्वेस्टमेंट बैंकिंग ऑफर नहीं होगा। इन सब कॉलेजेस में भी, अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में भी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग डे माइनस में आती है। डे माइनस मतलब कि एकदम पहले आ जाती है, डे जीरो के पहले भी रात को या एक दिन पहले आ जाएंगी। और इसमें आपको मार्क्स भी चाहिए, अच्छा प्रोफाइल भी चाहिए। 10-12 कॉलेज IIT, IIM, SRCC वाले लोगों को शॉर्टलिस्ट करके इंटरव्यू करती है। बहुत कम जॉब्स भी आते हैं अहमदाबाद, बैंगलोर, कलकत्ता में। अगर 450 जॉब्स आते हैं तो सिर्फ 20-25 इन्वेस्टमेंट बैंकिंग जॉब्स आ जाए तो भी बहुत माना जाता है। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग होता क्या है? आपने ऋतिक रोशन को देखा होगा जिंदगी ना मिलेगी दोबारा में, वो एक ट्रेडर होता है, वो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का पार्ट है। तो उसमें आप देख रहे होंगे कि वो प्रेजेंटेशन करता है, घूमता है, तो भी उसको लैपटॉप में प्रेजेंटेशन करना पड़ता है। तो क्लाइंट फेसिंग रोल होता है, इसमें सेल्स का भी बहुत यूज़ होता है क्योंकि आप क्लाइंट के साथ फेस करते हो। तो इसमें थोड़ा बैक एंड रोल, वो फ्रंट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग रोल है। इंडिया में मिडिल ऑफिस और फ्रंट ऑफिस रोल्स IIB में मिलते हैं। इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बहुत सारे ग्रुप्स हैं। एक होता है रेजिंग डेट, एक होता है रीस्ट्रक्चरिंग, एक होता है मर्जर्स एंड एक्विजिशंस, एक होता है IPO। तो IPO जब आप देखते होगे कि किसी कंपनी का IPO आ रहा है, पेटीएम का, जोमेटो का, तो जो भी पीछे का काम होता है वो एक इन्वेस्टमेंट बैंकर करता है। तो क्लाइंट के साथ आपको डील भी करना है और इतना पेचीदा, इतना क्रिटिकल काम भी करना है, तो वो भी आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए। और इतना बड़ा काम है, करोड़ों का काम है, तो आप बहुत पैसा भी घर लेके जाते हो, आपकी कंपनी लेके जाती है, तो आपको भी बहुत कमीशन मिलता है। इसमें आपको एक पर्टिकुलर इंडस्ट्री मिलता है, FMCG वाले FMCG देखते हैं, जैसे ई कॉमर्स हो गया तो आप जोमेटो, पेटीएम देखोगे। इंटरव्यू प्रोसेस बहुत ग्रिलिंग होता है, GPA भी चाहिए आपको, 10-12 के मार्क्स भी चाहिए, MBA का GPA भी चाहिए। कौन कौन सी कंपनी रोल देती है? मिडिल ऑफिस रोल्स आर प्रोवाइडेड बाय बैंक ऑफ अमेरिका, मेरिल लिंच, बार्क्लेज, क्रेडिट स्विस, सिटी, JP Morgan, गोल्डमैन सैक्स। और फ्रंट ऑफिस रोल्स टफ होते हैं क्रैक करने के लिए, लेकिन बैंक ऑफ अमेरिका और HSBC जो फ्रंट एंड रोल्स देते हैं वो फॉरेन में देते हैं, लंदन और न्यूयॉर्क में। सैलरी भी बहुत ज्यादा होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। माय डियर फ्रेंड, आर यू कंसीडरिंग मोर देन जस्ट MBA इन फाइनेंस? Or do you want to be a leader with very strong grasp in data-driven decision-making? अगर ऐसा है तो MBA in Business Analytics from Manav Rachna University, Faridabad, Haryana is for you. Manav Rachna University is a state private university that offers MBA in Business Analytics recognized by AICTE in collaboration with International Skills Development Corporation. इनको prestigious Platinum Band मिला है 2024 के Outcome-Based Education Rankings. Week-Based University Survey 2024 में इनको top 5 private multidisciplinary deemed universities in Delhi NCR का खिताब मिला है। अगर आप Business Analytics का MBA प्रोग्राम चूज करते हो तो आपको यूनिवर्सिटी से MBA डिग्री तो मिलेगा ही, साथ ही IOA UK से अफिलिएट मेंबरशिप भी मिलेगा, और आपको डिप्लोमा मिलेगा ISDC से अपॉन कंप्लीटिंग 2 ईयर पोस्ट ग्रेजुएट स्टडीज। यहाँ पे आपको सारे डेटा एनालिसिस और विजुलाइजेशन के टूल्स सिखाए जाएंगे। माय डियर फ्रेंड्स, R ले लो, Python ले लो, SPSS ले लो, जितने भी टूल्स यूज होते हैं आपको जॉब में काम आएंगे सब सिखाया जाएगा बिजनेस एनालिटिक्स के लिए। अगर आपको लगता है कि नहीं यहाँ डेटा एनालिटिक्स मुझे नहीं करना है, तो आप इनका डुअल स्पेशलाइजेशन का MBA भी कर सकते हो। एंड दिस इज द फर्स्ट NAAC A++ एक्रेडिटेड यूनिवर्सिटी इन दिल्ली NCR। यहाँ पे आप कोई भी दो डोमेन चूज कर सकते हो, 15 स्पेशलाइजेशन रहेंगे, उनमें से आप कोई भी दो डोमेन चूज कर सकते हो। इनका एक रोबस्ट मेंटरशिप नेटवर्क भी है, जिससे आपको पूरे टाइम मेंटर्स रहेंगे जो आपको मेंटरशिप देंगे प्लेसमेंट्स के लिए, इंटर्नशिप्स के लिए, करियर के जो भी डाउट्स हैं उनके लिए। तो फैकल्टी और इंडस्ट्री प्रोफेशनल्स और एलुमनी तीनों से आप सीखोगे। इनका बहुत स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्री एसोसिएशन भी है, फिकी से है, AIMA से है, NHRDN से है, FMA से है, SOCHAM से है। रिक्रूटर्स कौन कौन से है? माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, जोमैटो, पोर्टिस, EY, MX, KPMG, सारे जो अच्छे एनालिटिक्स के लिए रिक्रूट करते हैं, सारे अच्छे रिक्रूटर्स तो दिख रहे हैं मुझे। यहाँ पे प्रैक्टिकल ट्रेनिंग होता है, बहुत सारे केस स्टडीज हैं, 120 से ज्यादा केस स्टडीज हैं, लिंक्डइन लर्निंग के कोर्सेज भी हैं, तो आपको सब कुछ हेल्प करेगा जॉब के लिए। अ स्टूडेंट सर्टेनली होप्स फॉर मोर देन जस्ट एकेडमिक्स, एंड मानव रचना हैज एन एनवायरनमेंट दैट अलाउज स्टूडेंट्स टू परस्यू अ होस्ट ऑफ एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज इन स्पोर्ट्स। इनफैक्ट मानव रचना इज नोन फॉर इट्स स्पोर्ट्स प्रमोशन एफर्ट्स एंड रिसीव द नेशनल अवार्ड फॉर स्पोर्ट्स प्रमोशन फ्रॉम प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया 2021। द MBA स्टूडेंट अनीश भानवाला इज इन पैरिस नाउ
एंड रिप्रेजेंटिंग इंडियन शूटिंग. इनका एक स्ट्रेटेजिक मेंटरिंग बोर्ड है जिसमें बहुत सारे टॉप कंपनी सुजुकी वगैरह से लोग है उस बोर्ड में, वो भी सपोर्ट प्रोवाइड करते हैं स्टूडेंट्स को. मानव रचना के क्लेम्स के अनुसार 100% प्लेसमेंट मिला है, यूसीज में भी प्लेसमेंट मिली है बच्चों को, और एक स्टूडेंट को 10 लाख का प्लेसमेंट मिला है CIPL बोल के कंपनी. यहाँ का ROI अच्छा है और इसलिए अगर किसी को चूज करना है जो सुन के अच्छा लग रहा है ऐसा ऑप्शन, तो आप मानव रचना को चूज कर सकते. डिस्क्रिप्शन में लिंक है, इसमें आपको फी और एडमिशन प्रोसेस दोनों देखने को मिलेगा. नेक्स्ट है वेल्थ मैनेजमेंट. वेल्थ मैनेजमेंट की बात बता दूं मैं आपको कि ये हर कॉलेज में ऑफर होगा. अहमदाबाद बैंगलोर में भी होगा, फिर गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट भी होगा, फोर में भी होगा. तो जब टॉप कॉलेजेस है वहाँ आपको ज़्यादा अच्छे क्लाइंट्स मिलेंगे वेल्थ मैनेजमेंट करने के लिए, इंस्टीट्यूशनल क्लाइंट्स मिलेंगे. जितना आप नीचे जाओगे कॉलेज में, तो हो सकता है कि आप मेरे जैसा कोई इंसान का या कोई आदमी का वेल्थ मैनेज कर रहे हो, तो उनको आपको फ़ोन लगाना होगा, उनको वैसे लोगों का आप मैनेज करोगे पोर्टफोलियो पूरा, वेल्थ मैनेज करोगे बैंक के थ्रू. तो वेल्थ मैनेजमेंट इज एक्चुअली वेल्थ मैनेजमेंट. इसमें सेल्स का भी बहुत रोल आता है क्योंकि आप लोगों के साथ डील करते हो, उनको क्रॉस सेलिंग अप सेलिंग करते हो. बट डिपेंडिंग ऑन विच कॉलेज यू आर फ्रॉम आपको रोल वैसे ही अंतर मिल जाएगा. तो कोई बोलेगा मैं वेल्थ मैनेजर हूँ, तो आप बोलोगे तो गोवा इंस्टीट्यूट मैनेजमेंट से, वो भी वेल्थ मैनेजर हो सकता है. अहमदाबाद वाले वेल्थ मैनेजर हो सकता है, पर उनका काम अलग होगा क्योंकि उनके क्लाइंट अलग होंगे, उनका पोर्टफोलियो साइज अलग होगा, उनका काम करने का तरीका अलग होगा. तो ऑलमोस्ट सारे रिक्रूटर्स इसमें इंडियन बैंक्स, ICICI, SDFC, एक्सिस, IDBI ये लोग देते हैं रोल. इसमें वेरिएबल कंपोनेंट भी होता है, जैसे मैंने बताया आपको अपसेलिंग क्रॉस सेलिंग करना होता है, तो वेरिएबल कंपोनेंट भी कई लोग बहुत ज्यादा इसमें कमाते हैं. थर्ड है इक्विटी रिसर्च एनालिस्ट. ज्यादा इसमें बोलने का है नहीं, इक्विटी रिसर्च का काम होता है. तो क्रिसिल, मोटीलाल ओसवाल, इडिलवाई, दी शॉ, ये लोग रोल देते हैं. रोल्स काफी लोगों को बहुत पसंद आता है. दी शॉ अच्छा पैसा भी देती बहुत है, 20 लाख के ऊपर CTC है. तो इसमें इक्विटी रिसर्च का काम होता है, यू विल डू इक्विटी रिसर्च फॉर द कंपनी एंड द क्लाइंट्स. क्रिएटिविटी का इसमें ज्यादा रोल नहीं है, स्ट्रक्चर्ड काम होता है. नेक्स्ट है रिस्क मैनेजमेंट. रिस्क मैनेजमेंट बहुत सारे रोल्स होते हैं. एक मैं आपको बता दूं क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट. तो क्रेडिट रिस्क मतलब किसको क्रेडिट देना है, मतलब किसको लोन देना है. तो अगर आप HDFC बैंक में हो तो आपको किसको लोन देना है, इसमें भी अगेन इट वेरीज. टॉप IIMs में क्रेडिट रिस्क मैनेजमेंट का आपको अच्छे क्लाइंट्स को लोन देने का आप देखोगे. मतलब हो सकता है बड़े बड़े बिजनेस हाउसेस, तो उनमें आपका अच्छा पोर्टफोलियो साइज होगा. और अगर आप जितना नीचे जाओगे NBFC में या छोटे छोटे बैंक में, तो हो सकता है कि छोटे छोटे सैलून वालों को, छोटे छोटे दुकानदारों को भी लोन देने का आपको रिस्क एनालाइज करना पड़े. तो आपको मैं लोन दूँ, मुझे आप लोन चुका पाओगे कि नहीं, ये काम होता है. तो अच्छा काम है, बट डिपेंडिंग ऑन द बैंक, डिपेंडिंग ऑन द साइज ऑफ द पोर्टफोलियो यू हैंडल, आपकी सैलरी और आपका रोल डिसाइड होता है. इसमें भी सारे इंडियन बैंक से रोल देते हैं, HDFC, एक्सिस, NBFC भी रोल देती है. नेक्स्ट है कॉर्पोरेट फाइनेंशियल प्लानिंग एनालिसिस. ये काम काफ़ी अच्छा मानते हैं लोग. ये फाइनेंशियल प्लानिंग स्ट्रेटजी ये सब काम करते हैं, फाइनेंशियल प्रोजेक्शंस करते हैं किसी एक कंपनी के लिए, मान लो रिलायंस, इन सब कंपनी के लिए. तो ये काफ़ी इंडिपेंडेंट काम होता है. आप इसमें बड़े बड़े स्टेक होल्डर्स के साथ काम करोगे, CEO, CFO के साथ काम करोगे, और अच्छा काम माना जाता है. थोड़ा कम ऑफर होता है रोल क्योंकि ये कॉर्पोरेट हाउसेज ये रोल ज़्यादा देती है. तो आप स्टार्टअप्स का भी ले लो, ई कॉमर्स का कॉर्पोरेट फाइनेंस एनालिसिस ले लो, एनालिस्ट बन जाओ या रिलायंस का बन जाओ. CA लोग भी ये काम करते हैं, ट्रेजरी वगैरह ये सब भी काम इसके अंदर ही माना जाता है. और ये भी एक रोल है जो काफ़ी अच्छा माना जाता है MBA फाइनेंस में. अगर आपको लग रहा है आपको इन सब काम में इंटरेस्ट है, तो आपको MBA फाइनेंस करना चाहिए. कुछ क्वेश्चन है तो कमेंट्स में मुझे लिखो. ऑल द बेस्ट, स्टे सेफ एंड टेक